हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल डूइंग गुड। एंड आज किचन में कुछ स्पेशल बन रहा है, तो चलिए मैं चलकर दिखा दूँ। कुछ स्पेशल में बन रहा है यहाँ पर पिज्ज़ा, और पिज्ज़ा भी ऐसा बन रहा है कि इन लोगों ने दुकान खोल ली है यहाँ पर, पिज्ज़ा हट चालू हो गया है गाइज। अगर आप लोगों को भी चाहिए ऑनियन कैप्सिकम पिज्ज़ा, सो आप लोग हमें ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर के लिए DM कीजिए इंस्टा पे। आज मेरा मन था कि ये लोग पिज़्ज़ा बनाया, पिज़्ज़ा भी बना, मतलब इस तरीके से है कि देख ही दिया आपने, शॉप खोल ली। एंड आज एलिमिनेटर मैच चल रहा है मुंबई और लखनऊ का, तो मैं बस वही देख रहा हूँ। क्या लगता है आप लोगों को कौन जीतेगा? तो यहाँ पर पिज़्ज़ा रेडी होकर आ चुका है गर्मा गर्म, और यहाँ पर एक इनिंग कंप्लीट हो गए जिसमें मुंबई ने टारगेट दिया है 183 का, तो देखते हैं आज क्या होता है। चिली फ्लेक्स ला दिया है इन्होंने, जिसको भी चाहिए वो अलग से डाल सकता है। मैं भी रेड हॉट, ये हरी मिर्ची, ये मतलब कम तीखी वाली। और यहाँ पर जया ने ले आई थी आइसक्रीम, तो हम लोग बस पिज़्ज़ा के बाद, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम का लुफ्त उठाने वाले हैं। Hey everyone, good morning and welcome back। पर मुझे आ रही है अभी बहुत जोर से नींद। क्यों? पता नहीं। आप तो अच्छे से सोए हैं गाइस, ये तो बहुत अच्छे से सोए हैं। इवन 4 बजे से तो मैं जग रही हूँ। क्यों? क्योंकि इतनी आंधी आ रही थी, तो इधर चेक करो उधर चेक करो, कहीं की विंडो तो नहीं खुली, सब देखना। तो उठा तो मैं भी था ना, तो मैं एक मिनट के लिए हुई, ऊपर हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की, इसलिए मैंने आपको उठाया। अगर उठ के क्या कर लेता, मान लीजिए 4 बजे सब जाग गए, जाग के क्या कर लिए? फिर जया से मैं चैटिंग करती रही बहुत, सुबह सुबह जया हम लोग सुबह चैटिंग कर रहे थे ना व्हाट्सएप में। हां तुम भी जाग रही थी, मुझे लगा मम्मी मुझे देख रही थी, सोचे कि किससे बात कर रही है। और तभी तो ये ना घूमता हल्ले नहीं जा पाई। हाँ सुबह सोती रह गई रात में, क्योंकि इतनी तेज आंधी चल रही थी। तुम लोग पता चला? पूरा गेट एकदम भड़ भड़ करके बंद हो रहा था, है ना। मैं जया को बोली जया कूलर बंद कर लो, बहुत तेज हवा थी, कुछ भी चीज कर सकती थी। जय को मैसेज करी, मैसेज इतने बार करी थी। मुझे तो जब नींद आती थी फिर कुछ नहीं समझ में आता, कुछ समझ में नहीं आता, बिल्कुल सोता हूँ मैं आराम। मैं फोन ही नहीं देखती, अभी भी मुझे नींद नींद जैसा लग रहा है, पर टाइम हो गया बहुत ज्यादा। चलिए आज बहुत सारा काम है। हां अभी गाइस हमको 2-3 दिन बहुत ज्यादा काम है सच में। और अभी मैं बाल खोल के इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मम्मी मेरे लिए बना रही है मेडिकेटेड ऑयल, जिससे होगी मेरे बालों की चमकी और बाल होंगे काले घने और लंबे। काले तो वैसे घने, हाँ घने लंबे होने का रहा। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन इनके बालों को लेकर कोई कमेंट ना आए कि जी बता दीजिए कि आपके बाल इतने लंबे कैसे हैं, हम भी वो ट्राई करें। स्पेशल चीज है, स्पेशल ऑयल बनता है जो मतलब वो रहता है ना पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी के नीचे उसको बनाकर रखा जाता है, फिर उसके नीचे बैठकर बहुत सारा तप किया जाता है, तब जाकर उसमें जो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है उसको लगाने से बाल होते हैं लंबे। डिवोशनल सीरियल देख देख के फिर कुछ दिन में बस जब तब करने बैठ जाया करेंगे। ऐसे आजकल तारीफ करेंगे तो ऐसे बोलेंगे अद्भुत,
आप विश्वास नहीं है अले वाह रे अले अले वाह रे बोलती है अले वाह रे लो इसमें तेल बन गया ये आ गया देखिए मेडिकेटेड ऑयल में आपको दिखाता हूँ बड़े परिश्रम से बनाया गया ये देखिए ये आपको देख के लग रहा होगा कि आंवले का ऑयल है बट ये ना आंवले का है ना किसी का है ये है मेडिकेटेड ऑयल और बहुत मेहनत और परिश्रम से बनाया गया है इसमें कड़ी है बड़ा है, गरम इसमें कड़ी पत्ता है और अनार का पत्ता है और मेथी दाना है बस और ऑयल कौन सा है ये भी बता दीजिए ये कोकोनट ऑयल है कोकोनट ऑयल अब सीक्रेट उड़ गया सीक्रेट मतलब लंबे काले और घने बालों के लिए मम्मी ने राज बता दिया है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ये देखो कितनी परिश्रम के साथ ऐसे ऐसे पकाइए जैसे छान के ये कटोरी में रखिए फिर लगाइए ताकि आपके बाल भी लंबे हो जाएं तो आज आपको सीक्रेट पता चल गया है जय बोल रही अधिक जानकारी के लिए मम्मी की इंस्टा आईडी पर डीएम करें तुम लंबे बाल हो जाए सब चाहते हैं हाँ सब सब चाहते हैं यही पूछते हैं कि कैसे क्या करें क्या लगा लें तो मैं बता रहा हूँ आज पिंकी दी पूछ रही थी छह महीने में एक बार तेल वो भी हम लगाते हैं नहीं तो वो भी नहीं ये तो और बड़ा वाला सीक्रेट चल रहा है वीडियो बनाना है नहीं लगाएंगे तेल अच्छे नहीं दिखेंगे चिपचिप चिप बाल दिखेंगे इसलिए हाँ। नहीं लगाना है तेल मेरे को तेल ज्यादा पसंद नहीं है और अभी तो इतनी गर्मी चल रही है कि तेल से और दूर भागना नहीं पड़ता लेकिन जब बाल अरे आज आप भी लगवा लीजिए आज मैं भी लगवा लेता हूँ मेरे भी थोड़े काले घने और लंबे बाल हो जाएंगे लंबे हो गए आपके बाल देखिए चलो अभी तो गर्म है ना मम्मी मेरा पर मेरे ऐसे वो नहीं है ना यार कर्ली हेयर्स नहीं है नहीं तो रख लेता था करवाना पड़ेगा मुझे हम लोग रोलर से कर देंगे चिंता मत कीजिए नहीं 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 वो परमानेंट वाले करवाना पड़ेगा कर्ली हेयर अगर कोई डॉक्टर हेयर स्टाइलिस्ट या मतलब हेयर केयर डॉक्टर अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएगा आपके चार्जेस क्या होंगे मेरे कर्ली हेयर्स करने के प्लीज़ मैं थोड़ा अपना लुक चेंज करना चाह रहा हूँ मैं कर्ली करवा रहा हूँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर यहाँ शुरू हो गई इनकी चंपी ऑयलिंग चंपी विद शॉपिंग है मेरे पर ऑयल पता नहीं कब से नहीं लगा है तुम लोगों की सबके लंबे लंबे बाल है तो इसीलिए आदत ऐसे पड़ी है जब आप ऐसे करो इतना छोटा लगता है क्या हो जाऊं तभी तो सब बोलने लगते हैं मम्मी किसकी है जया की अरे अभी एक मिनट डाले तो जया के साथ उसमें ही मैं सॉरी हो चुकी है मेरे बालों में और आप देख सकते हैं बहुत टाइम के बाद मैंने करवाया है मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए होंगे मतलब मैंने ऑयल अवॉइड ही कर दिया था लगाना क्योंकि मेरे बाल जो है ना एकदम चप्पू चप्पू हो जाते थे मेरी रो रही है किचन में मैं इनके पास नहीं रहता हूँ क्यों रो रहे हैं बता दीजिए प्याज कट कर रही हैं इसीलिए रो रही हैं आज हम लोगों को बहुत सारा काम है वो सारी चीज़ें भी करनी हैं और जयश्री आज चली गई है कॉलेज रोते रोते एक तो इस टाइम पर इतनी गर्मी पड़ती है ना कि उसको मन नहीं करता है जाने का पर क्या करें उसके कॉलेज का लफड़ा ही ऐसा है अटेंडेंस अटेंडेंस और अटेंडेंस पता नहीं क्या करेंगे इतनी अटेंडेंस का खाएंगे लगता है हम लोग भी अच्छे कॉलेज से ही स्टडी कंप्लीट किए हैं पर कभी ऐसा ये चीज़ नहीं हुई है जितना उसके वहाँ पर है फिर तो मैं हमारा मिलना ही नहीं पा रहा यार किसको बोल रहे हैं प्याज को
प्याज अगर जिंदगी चली जाएगी तो फिर कैसे आप सलाद में क्या डालेंगी, सब्जी में क्या डालेंगी? ऐसा डुलाता है ये मुझे। लाई मैं कट कर देता हूँ, लाई मैं कट कर देता हूँ प्याज, ठीक है। कैसे कट करना है, कैसे कट करना है और छोटे छोटे करना है? अभी तो उसको पानी में डाल दीजिए। ठीक, सब काफ़ी टाइम हो गया है और मैं जाने वाला हूँ अब नहाने के लिए, जब तक यहाँ पर हमारा लंच रेडी हो जाएगा। अब तो नहीं लग रही है ना प्याज? इसी के साथ इस ब्लॉग को रखते हैं बस यहीं तक, जल्दी ही मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग लेकर। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।